दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, बाबा गोरखनाथ का किया दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने किया रामगढ़ ताल में लाइट एंड साउंड शो का आगाज। गोरखपुर के विकास के अध्याय में जुड़ा एक और स्वर्णिम पल। सिटी वन बना लाइट एंड साउंड शो का साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिए स्पष्ट निर्देश, कहा कोई भी बच्चा कुपोषण का न हो शिकार। जल्द ही पूरा हो सकता है गोरखपुर के लोगों का मेट्रो का सपना। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक, प्रमुख सचिव आवास सहित मंडल आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। मेट्रो परियोजना के संबंध में प्रमुख सचिव आवास ने की जीडीए के वीसी के साथ बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। मेट्रो रूट के निरीक्षण के बाद सीएम से मिले आला अधिकारी, कराया बाधाओं के बारे में अवगत, दी परियोजना की पूरी जानकारी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख ने की पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों के साथ बैठक, कई जिलों के विकास कार्यों की हुई चर्चा। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया गोरखनाथ बाबा का दर्शन, लिया आशीर्वाद। एसएसपी ने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, कहा अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे थानेदार, नहीं होनी चाहिए कोई भी आपराधिक घटना। दी एनई एंड ईसी रेलवे एम्प्लाइज का 98 अधिवेशन, सुनी गई कर्मचारियों की समस्याएं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक लाल बच्चा को धमकी भरा आया ईमेल, जान से मारने की दी गई धमकी, पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। सजनवा के कई मेडिकल स्टोर पर एसडीएम ने मारा छापा, सही कागजात न मिलने पर किया दुकानों को सील। पूर्व विधायक और छात्र नेता शहीद रविंद्र सिंह की 40वीं पुण्यतिथि के मौके पर दी गई श्रद्धांजलि। वाहन चेकिंग के दौरान तिवारीपुर पुलिस को मिली कामयाबी, एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, अवैध शराब भी हुई बरामद। और राजस्व संग्रह अमीन संघ के प्रदेश संगठन मंत्री चुने जाने पर श्याम मोहन पांडे का हुआ स्वागत। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ का दर्शन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का पूजन कर आशीर्वाद लिया। गोरखपुर के विकास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सदर सांसद रवि किशन, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक शीतल पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल सहित मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेन के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम इस मौके पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और उसके तत्काल बाद उन्होंने इस लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इसके बाद शुरू हो गया गोरखपुर के इतिहास को बदलने वाला क्षण।
रामगढ़ ताल के पानी में तैरता हुआ लाइट एंड साउंड शो। विधायकों का, प्रबुद्ध जनों का, विद्वत जनों का, यहाँ रामगढ़ ताल के क्षेत्र निवासियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लोकार्पण अवसर पे। लोकार्पण हो रहा है इस मल्टी मीडिया फाउंटेन का, फ्लोटिंग फाउंटेन। इस दौरान संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, से लेकर के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिन महापुरुषों और क्रांतिकारियों के योगदान से आज हम सब स्वतंत्रता का उपभोग कर पा रहे हैं। देश के अंदर साहित्य जगत को एक नई ऊंचाइयों तक प्रदान करने का मामला हो, भाई जी के द्वारा से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा कल्याण पत्रिका के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने का हो, गीता प्रेस ने जहां बखूबी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने भी गोरखपुर को अपनी कर्मभूमि के रूप में बना करके ईद का, नमक का, दरोगा और न जाने कितने उपन्यास देश के अंदर देकर के गोरखपुर की स्मृतियों को तरोताजा करने का कार्य किया। फिर आप गोरखपुरी हो या फिर इस परंपरा से जुड़े हुए सभी महापुरुष, हम सब की धरोहर हैं और इसलिए गोरखपुर का ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम गोरखपुर की इस धरोहर को चूर्ण बनाए रखने के संकल्प के साथ हम सबको जोड़ता है, हम सबको इस जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इस जिम्मेदारी का एहसास हर व्यक्ति कर पाएगा जो अपनी रचनात्मकता के माध्यम से एक सही सोच के साथ विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और मैं गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि विकास के मुद्दे पर गोरखपुर की मर्यादा, गोरखपुर के आन मान और शान और यहाँ की परंपरा को क्षुण्य बनाए रखने के लिए सतत रूप से निरंतर इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहे हैं। आज ये लाइट एंड साउंड कार्यक्रम आपको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम सब न केवल इस रामगढ़ ताल को भी तो गोरखपुर के इन सभी धरोहरों को अच्छे ढंग से सजो करके इसे अच्छे बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। रामगढ़ ताल के एक
अनोखे लाइट एंड साउंड शो को सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। सिटी वन भी इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। हम यहाँ पर खड़े हैं रामगढ़ ताल में और गोरखपुर के विकास में एक और नया अध्याय, नया मील का पत्थर साबित हो गया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का। आप देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा कि क्या यही डेढ़ दो साल पहले का रामगढ़ ताल का इलाका है जहाँ पे रात में 8-9 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता था, लोगों को घबराहट होती थी इस रोड से जाने के लिए, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और सामने का मंजर बदल जाता है। बिल्कुल वही मंजर आज बदलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो का आगाज हो चुका है। चूंकि इसके पहले हमने आपको सिटी वन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि इसकी कई बार टेस्टिंग की जा चुकी थी। मंडलायुक्त जयंत नलिकर उस समय हुआ करते थे, एक दो बार टेस्टिंग हुई, सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई, लेकिन आज 30 अगस्त के दिन आज जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से अपने आप में अगर जम्मू कश्मीर की गुलर झील कही जाए इसको तो बड़ी बात नहीं होगी, जुहू चौपाटी अगर कहा जाए तब भी कोई बात नहीं होगा। अपने आप में ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और कम से कम गोरखपुर के लिहाज से तो ये अकल्पनीय भी माना जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे इस ऐतिहासिक लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ़ उठा रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। भाई साहब आप बताइए हमें, यहाँ पे आप काफ़ी देर से इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, बगल में मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, वो भी इस दृश्य को देख रहे हैं, क्या अनुभव हो रहा है आपको? गोरखपुर में कभी कल्पना किए थे कि ऐसा हो पाएगा? बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत सराहनीय हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि एक टाइम था कि जो जब लोग यहाँ पे आने से घबराते थे इस क्षेत्र में, जहाँ तक मैं बताऊँगा यहाँ का, आज ये चीज़ बना, लोग काफ़ी मतलब इंजॉय कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं काफ़ी वीडियो, मैं भी काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह कैप्चर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने हम लोगों को, ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में पर्यटन के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा भी लहराया जाएगा। 700 हेक्टेयर इलाके में फैले इस रामगढ़ ताल को आखिरकार एक नया जीवन मिला है लाइट एंड साउंड के रूप में। ये निश्चित रूप से गोरखपुर के इतिहास में एक और मील का पत्थर, विकास के इतिहास में एक और स्तंभ खड़ा हो गया है और जो कि अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात मिली है गोरखपुर को। सिटी वन इस पल का साक्षी है। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, CDO अनुज कुमार, CMO SK तिवारी, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, BSA भूपेंद्र नारायण सिंह सहित शिक्षा विभाग व बाल पुष्टाहार के अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि कुपोषण से कोई बच्चा या परिवार कुपोषित न रहे। सभी DM सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिड डे मील पौष्टिक आहार समय से उपलब्ध करवाएं। मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन LMRC के निर्देशक संजय मिश्रा द्वारा और PWD के अफसरों द्वारा किया गया था। प्रमुख सचिव आवास दिनेश कुमार, मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने मेडिकल कॉलेज से असुरन गोलघर शास्त्री चौक मोहद्दीपुर सुहा बाजार तक स्थलीय निरीक्षण किया। शास्त्री चौक पर स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ मंथन कर पुनः मोहद्दीपुर होते हुए सुवा बाजार तक स्थलीय निरीक्षण किया ताकि 4 लेन व मेट्रो के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उम्मीद जताई जा रही है कि गोरखपुर वासियों को मेट्रो का सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा। सुबह बाजार तक हम सीधे चलते जाएंगे, इसमें कोई नहीं है। ये रामनगर लेक के ऊपर एक ब्रिज है,
वहाँ आपका डिपो बनेगा। पेमेंट से काफ़ी बना दिया है, काफ़ी ठीक कर दिया। ये सेक्शन नहीं बनाया वहाँ पर जाने से प्लान लोकेशन वाइज सब दे दीजिए। हाँ, और जो वाला फैसला जो जैसे बोला उसमें हमें एग्जैक्ट साइज वाला महानगर में मेट्रो परियोजना के स्थलीय निरीक्षण के बाद प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जीडीए के वीसी दिनेश कुमार के साथ सर्किट हाउस सभागार में बैठक की। इस बैठक में मेट्रो से संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान किया गया, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीडीए वीसी दिनेश कुमार ने बताया, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में इनका संबंधित लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन इनको सर्वे कर रहे, डीपीआर वगैरह तैयार हो गया। अब इसको मौके पे क्या स्थिति उसके देखने के लिए आया, उसी पे रूट ओरिएंटेशन का पूरा विवरण संबंधित पीडब्ल्यूडी का ऑफिशियल सहित इनको आज भ्रमण किया। हमारा प्रमुख सचिव साहब उसी पे पूरा रूट भ्रमण किया, बाद में आगे कार्रवाई के लिए जाएंगे। श्याम नगर से शोभा बाजार तक, गुलरिया से कचहरी तक, दो कॉरिडोर है, इन दोनों का किया। मेट्रो रूट पर आने वाली बाधाओं एवं विकल्पों को तलाश करने के उद्देश्य से लखनऊ मेट्रो के निदेशक संजय मिश्रा, सी रवि जैन, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन व जीडीए वीसी के दिनेश कुमार एवं अन्य अधिकारी गण ने मेट्रो के दोनों रूटों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम को गोरखपुर पहुंचने के तत्काल बाद कुछ रूटों पर कुछ छोटी मोटी बाधाओं के संबंध में सभी अधिकारी गण सीएम से आकर मुलाकात कर उन्हें इसके बारे में अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों में प्रमुख सचिव आवास जीएम मेट्रो, प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, आईजी जय नारायण सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया। गोरखनाथ बाबा के दर्शन के बाद प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने कहा, हम लोग वो देखने आए थे कि जो तय हुआ है, जो प्रस्ताव है, उसमें क्या स्थानीय स्तर पे दिक्कतें हैं और उनका क्या निराकरण किया जा सकता है। कमिश्नर साहब और इनकी टीम ने के साथ हम लोगों ने जाके देखा है और विस्तृत तो कुमार केशव साहब बताए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकरण, पीडब्ल्यूडी, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। ये जो सुरक्षात्मक और रोड फर्नीचर का काम 19.5 किलोमीटर लगभग तैयार है, बाकी 5-6 किलोमीटर शुरू वाला है सर, 2.15 सितंबर।
करीम नगर मस्जिद से गोपाल ज्योतिया सिटी भी हो गया, दो में पूरा हो गया सिटी भी और बीसी कब तक आता है? 15 सितंबर। इसको भी आप करिए तो पहले मार्च की तारीख कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिस लाइन सभागार में समस्त राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के साथ देर रात में बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्षेत्रों के बारे में स्थिति जानी और सभी को कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें। बाद में बैठक कर अपराध की समीक्षा की एवं अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए निर्देश भी दिए कि मुहर्रम गणेश पूजा सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहें, संदिग्ध व्यक्तियों पर हमेशा नजर बनाए रखें, चौकी प्रभारी के क्षेत्रों में अवैध तरीके से शराब नहीं बिकनी चाहिए, साथ ही आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दें ताकि उनके क्षेत्रों में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी गंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खजनी श्रीमती रचना, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह मौजूद रहे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी एडवांस लैप्रोस्कोपी इंड्रोस्कोपी गैस्ट्रो सर्जरी स्त्री रोग और न्यूरोलॉजी सेंटर डॉक्टर शिवशंकर शाही सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी विशेषताएं: दूरबीन द्वारा बिना चीरे के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं जैसे पित्त की थैली अपेंडिक्स बच्चेदानी रसौली ट्रूप प्रोटेस्ट का बिना चीरे से ऑपरेशन पेशाब की नली और पेशाब के थैली की पथरी आंत का फंसना आंत का फटना और ट्यूमर का ऑपरेशन ब्रेस्ट थायराइड हॉर्निया बवासीर हाइड्रोसिल का इलाज ट्रामा सेंटर और बर्न सेंटर। हमारी सबसे बड़ी विशेषता शहर का सबसे बड़ा बेड वाला आईसीयू। तो संपर्क करें शाही ग्लोबल हॉस्पिटल निकट पूर्वांचल बैंक बुद्ध विहार कॉमर्शियल तारामंडल पुलिस चौकी के पीछे गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। एनी एंड ईसी रेलवे एम्प्लॉइज मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सामान्य निकाय के सदस्यों का 98वां वार्षिक बैठक का आयोजन रेलवे भवन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर एम्प्लॉई यूनियन के कार्यवाहक सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह 98 वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष होती है जिसमें सभी एम्प्लॉईज यूनियन के सदस्यों की बातों को सुना जाता है और उसका निस्तारण भी करने की कोशिश की जाती है। यह बैंक 1921 से चल रहा है। बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये 1921 से बैंक चल रहा है और प्रत्येक वर्ष ये साधारण सभा की बैठक होती है। बैंक के जितने डेलीगेट्स चुने जाते हैं उन डेलीगेट लोगों की बैठक होती है। आज के जो भी एजेंडे थे उन एजेंडों पर बहस हुआ और सर्वसम्मति से सारे एजेंडे पास हुआ। मुख्य एजेंडा जैसे हमारे बैंक का जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, स्टेचुटरी ऑडिटर के लिए
उसके बाद से आपका लाभ का वितरण होता है, ये सारे जो मुख्य होते हैं सारे सारे। गोरखपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक लाल बच्चा झा को उनके ऑफिशियल मेल पर बुधवार की रात धमकी भरा मेल भेजा गया। कल सुबह जब वे ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मेल खोली तो धमकी की जानकारी हुई। बिहार के मधुबनी निवासी लाल बच्चा झा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में डेढ़ महीने पहले प्रमोशन पाकर क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में ज्वाइन किए हैं। इससे पहले वह मुंबई में तैनात थे और गोरखपुर से ही उनका मुंबई में ट्रांसफर हुआ था। इन्होंने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि बुधवार की रात में दो अलग अलग समय पर क्षेत्रीय प्रबंधक के ऑफिशियल मेल पर दो मेलें आई हैं। इस बारे में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने सिटी वन से बात करते हुए कहा, ईमेल से धमकी आई है, मुकदमा पंजीकृत है, अभी तक की छानबीन और पूछताछ से डिपार्टमेंटल शरारत नजर आ रही है, तेजी गहराई से छानबीन की जा रही है। पूर्व विधायक एवं छात्र नेता अमर शहीद रविंद्र सिंह की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के विधायक शीतल पांडे ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विभ्रास्ट सिंह कौशिक, दर्जा प्राप्त मंत्री विश्वविद्यालय के प्राचार्य सहित पूर्व छात्र नेता सत्यपाल पाल, पूर्व पार्षद मनीष सिंह एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक शीतल पांडे ने कहा, समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो नौजवानों के स्वाभिमान थे, वो उनकी बुलंद आवाज थी और आज भी उनकी जीवंतता उतनी ही परसेंट कायम है जिस समय उनका निधन हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके 40 साल मरने के बाद भी इतने समर्थक हो, जो उमंग और जोश से लबालब भरे हो। ये स्वर्गीय रविंद्र सिंह हैं, मैं उनका हम लोग शिष्य हैं और हम आज भी उनको मरा हुआ नहीं मानते। आदमी का पार्थिव शरीर जरूर नहीं होता है, लेकिन आज भी उनकी आत्मा जीवित है। चेकिंग के दौरान तिवारीपुर पुलिस को मोटरसाइकिल सवार अपराधी को पकड़ने में कामयाबी मिली। जब भारतीय स्टेट बैंक इलाहीबाग पर पुलिस की ओर से सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी समय रोके जाने पर मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को नीचे गिराकर भागने लगा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्त का नाम रंजीत निषाद है, जो कि खोराबार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से 30 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। इस अभियान में एसओ तिवारीपुर सर प्रकाश सिंह और उनके हमराही शामिल रहे। राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश के श्याम नारायण शुक्ला को प्रदेश संगठन मंत्री चुने जाने पर और गोरखपुर प्रथम आगमन पर पूर्व प्रदेश संयुक्त मंत्री श्याम मोहन पांडे, दिनेश मिश्र, संतोष पांडे, फहीमुल्लाह एवं अन्य लोगों द्वारा उनका शास्त्री चौक पर भव्य स्वागत किया गया। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रदेश संगठन मंत्री श्याम मोहन पांडे ने कहा, खास करके सबसे पहले मैं पूरे संगठन, पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत करूंगा और संघीय शक्ति ही कामयाब होती है, इसलिए सबसे पहला काम मेरा होगा संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करके हम अपने विभागीय जो भी सुविधाएं हमारे लिए उचित हैं, जो मांगे हमारी लंबित हैं, क्योंकि सौभाग्य हम लोगों का है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरखपुर से ही हैं और हम लोग गोरखपुर से हैं, तो विशेष प्रयास करके, चूँकि पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र हमारे ऊपर लगी हुई है कि शुक्ला जी अगर आप मन से प्रयास करेंगे तो शायद हमारी लंबित मांगों की पूर्ति हो जाएगी। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।